ये टूर्नामेंट भैया पूरा आईपीएल की तक पे कराया जा रहा है अजमेर में। पहली बार अजमेर प्रीमियर लीग इसका नाम है। आईपीएल में जो जितने भी प्रोसेस है पूरा उसी प्रोसेस पे टूर्नामेंट होगा। 8 टीमें परचेस करेंगे अजमेर की, जिसके अंदर अजमेर ज़िले के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अजमेर के खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर, उस रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर उनका सिलेक्शन ऑनर करेंगे। उसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे जो प्लेयर जिस लेवल तक खेला हुआ है, रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है प्लेयर, अंडर 19 खेला हुआ है, अंडर 17, अंडर 14, जिस भी लेवल का वो प्लेयर खेला हुआ है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका बेस प्राइस सेट होगा। उसके बाद जो ऑनर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस प्लेयर को परचेज करेगा, जैसा कि आईपीएल में होता है। ये टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य जो है हमारा मेन रूट संस्थान के द्वारा इस अजमेर ज़िले के अंदर नशा मुक्ति का संदेश देना। जो युवाओं के अंदर आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं लोग, उसके अंदर उससे हट के जो संदेश देना चाह रहे हैं हम, जो गर्मी की छुट्टियां आती हैं उसके अंदर आईपीएल के तर्ज के ऊपर एपीएल कराने जा रहे हैं अजमेर शहर में। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलेगा, जैसे आईपीएल के तर्ज पे जो प्लेयर खेल रहे हैं आजकल उनका इंडिया टीम के उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनका सिलेक्शन इंडिया टीम में होता है, तो उसी बेस पर हम ये चाह रहे हैं कि एपीएल की तर्ज पर प्लेयर नज़र में आएँ। कई प्लेयर ऐसे होते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो किसी भी क्रिकेटर को या किसी भी चीज़ को खेलने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता होती है। एक इस बड़े लेवल का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, इससे जो प्लेयर होगा वो परफॉर्मेंस देके अपने आप को प्रूव कर सकेगा, ताकि वो सेलेक्टर्स की नज़र में आए। क्योंकि टूर्नामेंट का अभाव रहता है अजमेर के अंदर फिलहाल, तो इस टूर्नामेंट के जरिए प्लेयर नज़र में आएगा तो उसके द्वारा सिलेक्शन हो सकता है अजमेर टीम में, राजस्थान टीम में, वो अपने आप को आगे प्रूव कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है 500 रुपीज़। उसके अंदर उसको किट वगैरह मिलेगा और उसका यहाँ अकेडमी के ऊपर ट्रायल्स वगैरह देने का मौका मिलेगा उसको, और यह प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा पूरा। ये प्रतियोगिता जीएलओ ग्राउंड पर खेली जाएगी। कब होगी ये प्रतियोगिता? जून के पहले सप्ताह में खेली जाएगी। कोई नहीं उद्घाटन करने का अभी फिलहाल फिक्स नहीं है, बातचीत चल रही है टूर्नामेंट की। तो पुरस्कार भी रखा है पुरस्कार इसके अंदर 31,000 रुपये प्राइस रखा गया है इसका। इसका आगे का प्रोसेस क्या है? इसका आगे का प्रोसेस ये है, इसमें पहला तो नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा रूट संस्थान द्वारा। इसके अंदर ओपनिंग में और क्लोजिंग के अंदर जितने भी जो टीम के जो प्लेयर्स हैं और ऑनर्स हैं और कैप्टन्स हैं उनके द्वारा नशा मुक्ति की रैली निकाली जाएगी ग्राउंड के आसपास, और जो अजमेर शहर के जो मेन जो जगह है, जो इस बीच के अंदर जो प्रोसेस चलेगा पूरे मंथली, उसके अंदर रैली निकालना और जो युवाओं को संदेश देना नशा मुक्ति का, उसके अलावा क्रिकेट के प्रति लोगों को जो जागरूक है जैसे इंडिया, लेकिन अजमेर शहर के अंदर प्लेयर आगे नहीं निकल पा रहा, तो उसका प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैसे प्लेयर आगे निकले, प्लेयर अपने आप को एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके उसके अंदर खेले, परफॉर्मेंस करे और आगे बढ़े। उसको खिलाड़ी का आगे चयन कैसे होगा? खिलाड़ी का आगे चयन तो परफॉर्मेंस करेगा, वो खिलाड़ी को नज़र में आएगा, मीडिया जैसे आप लोग हैं उस प्लेयर को कवरेज देंगे पूरी, वो अपनी परफॉर्मेंस देगा तो दिखेगा। आज जो वो दिखता ही नहीं है प्लेयर, कई लोग होते हैं जो लोकल टूर्नामेंट परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते, आप लोग कवरेज देंगे रेगुलरली उसको, कोई प्लेयर 100 करता है 5 विकेट लेता है अपने आप को अच्छा फिट प्लेयर होता है वो दिखेगा आपके द्वारा, सामने आएगा मीडिया के द्वारा, तो उसको डेफिनेटली प्लेयर आगे खेलने का मौका मिलेगा। मेरा नाम शराफत खान, मैं कमिश्नर ऑफ APL।